Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? तो ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉल पोर्टेबल लेजर ट्यूब, जिसे आप फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं और भी कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वुडन पे कुछ प्रिंट करना है तो वो कर सकते हैं, और अगर आपको प्लास्टिक या कार्डबोर्ड पे कुछ प्रिंट करना है, कटिंग करनी है, तो आप इससे वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेफ्टी लेने की पूरी जरूरत है। तो ये लेज़र ट्यूब जो मुझे इन्होंने भेजा है, वो एक सिंगापुरी कंपनी है, विक्ट लेज़र, तो उन्होंने भेजा है। आप उसकी साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उनकी साइट है laserOS.com, तो वहाँ पर आप जाके ये देख भी सकते हैं कितने की है। अगर आपको परचेज़ करनी है तो वहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ मुझे मिली है। सबसे पहले तो ये साइज का कवर है, इसको कवर करने के लिए इसको हटा देते हैं हम साइड में, और इसमें थोड़ी सेफ्टी वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शन वगैरह है। ये इसमें ट्राईपोड दिया है इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद जो इन्होंने दिया है केबल दिया है, डेटा केबल जो दिया है इन्होंने, जो जिससे आप फोन लेज़र क्यूब को फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। तो इन्होंने तीन टाइप की केबल दी है, दोनों टाइप के आपको USB केबल दिया है इसमें, और एक अगर आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी दिया। और जिसे आप कनेक्ट करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको बैटरी से भी चला सकते हैं। इसके अंदर बैटरी है 14,000 mAh की, तो चाहे आप इसको, अभी मैंने चेक नहीं किया कितने टाइम तक इसकी बैटरी चलती है, और आप चाहें तो डायरेक्ट इस केबल को कनेक्ट करके भी लगा सकते हैं। केबल उस टाइप के जैसे जिसका आपको लैपटॉप चार्ज होता है ना, वो वाली केबल है इसमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी सबसे पहले, अगर आप लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए उन्होंने काला चश्मा दिया है। ये जो मैंने आपको बताया था लैपटॉप की तरह चार्ज होता है, तो वो है। इसमें आपका ये है, अगर आप किसी पाइप पर ये लेज़र क्यूब फिट करना चाहते हैं, इसके थ्रू आप ये लेज़र क्यूब आप पाइप पर भी फिट कर सकते हैं। अब तो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका मेन प्रोडक्ट है लेज़र क्यूब, वो कितनी बड़ी है। और आप ये जो है आसानी से आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, वेट तो है इसमें काफ़ी। और सबसे बड़ी बात ये, आपके अगर डायरेक्ट चलाएंगे तो पावर नहीं लगेगी, सिर्फ ये 2 वॉट की है, और ये 19 वोल्ट से चलती है, 19 वोल्ट DC से, यहाँ से जो आपकी लेज़र बीम निकलेगी। और आप यहाँ से ओपन करना है इसको, यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें अंदर नहीं आ रहा, प्लान याद रखा है। यहाँ से आपकी लेज़र बीम निकलेगी, और पीछे जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाएगा ये है, तो यहाँ ये ऑन ऑफ है। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट केबल लगानी है तो डायरेक्ट केबल से चला सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं है क्या है। और यहाँ से आप रीसेट करेंगे, इसे जब भी स्टार्ट करेंगे तो इसमें लॉक है, रीसेट लॉक है, स्टार्ट लॉक, तो ये स्टार्ट लॉक दिया है इन्होंने, तो इसमें आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगी। और यहाँ पर आपकी USB केबल लगाने के लिए दिए, ताकि आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकें। तो अभी तो इसको रखते हैं साइड में, और ये इन्होंने दिया है इसमें रिमोट, ये रिमोट ताकि इसमें लेज़र, आप चाहे लेज़र पे इसमें इनकी जो एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो करीब 1 GB की है, तो उसमें काफ़ी गेम्स भी हैं। अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं लेज़र से, तो उसके लिए आपको ये रिमोट दिया है। तो उन्होंने काफ़ी टाइप के लॉन्च किए हैं इसमें, जो है इसमें लूमिया लेंस है, इसमें थोड़ा इफेक्ट आएगा, आप देख सकते हैं लेंस किस टाइप का है। तो इस टाइप के लेंस है ये वाला, ये देख सकते हैं लूमिया 1 नाम है इस पर, लूमिया 1
हम ट्राई करेंगे इनको, उसकी भी वीडियो में डालूंगा कि ये लेंस किस टाइप का काम करते हैं। ये भी लक्ष्य, ये लूमिया 2 है और ये लूमिया 3 है, जिनपे स्टार से बने हुए हैं, तो शायद देखेंगे इसको यूज़ करके। ये जो लेंस है ये है डिफ्रेक्शन लेंस, तो इनसे अलग अलग टाइप के काम होते हैं। ये डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन 3 है, ये है डिफ्रेक्शन 2 लेंस, इनको भी यूज़ करेंगे। इसमें कैसा दिखेगा इस लेंस को अगर ला के देखें इस पे, डिफ्रेक्शन 3 है, कैसा दिखेगा इसमें। ये भी डिफ्रेक्शन लेंस लेंस है जो उन्होंने दिया है। इसमें आप पैटर्न देख सकते हैं, इसमें तो पैटर्न दिख रहा है। इसमें जो है इसके थ्रू अगर देख रहे हैं तो हार्ट शेप दिख रही है, तो जहाँ लाइट होगी ना वहाँ हार्ट शेप दिखेगी। ये सेफ्टी लेंस है, अगर आप इसको लगाओगे तो आपको चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है 25 सेंटीमीटर फोकल लेंस, ये है 25 सेंटीमीटर फोकल लेंस। तो इसमें क्या खास बात है, इसके थ्रू आप करेंगे प्रिंट, आप जो एप्लीकेशन है आप इसमें बर्न बर्न का ऑप्शन से है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। इसको अगर लेज़र के सामने रखेंगे तो 9 इंच के दूर पर अगर आप अपना प्रोडक्ट रखते हैं, कार्डबोर्ड पे आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, प्लास्टिक पर भी कुछ प्रिंट कर सकते हैं, कई आइटम हैं जिन पे आप प्रिंट कर सकते हैं, पेंटेड मेटल पे भी प्रिंट कर सकते हैं, जो चाहो आप वो प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सेफ्टी लेने की ज़रूरत होती है, तो उस लेंस को भी हम यूज़ करेंगे कुछ प्रिंट करके या कुछ कटिंग करके कि किस टाइप का यूज़ होता है। और ये सबसे इन्होंने तगड़ा लेंस दिया, ये है वाइड लेंस। आप अपनी, ये इसका स्टैंड है, ये लेंस है, तो इसको लगाने के बाद ये रहा लेज़र लेज़र क्यूब एक्सपेंडर। तो ये जो है आपकी बीम है वो एक्सपेंड करता है वाइड, बहुत वाइड एंगल में एक्सपेंड कर देता है, कि अगर आप कुछ ज़्यादा एरिया में अपनी बीम डालनी है, जैसे पार्टी वार्टी होती है तो जब डिस्को लाइट्स वगैरह चलती है तो आप इनको उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको वाइड बीम चाहिए तो उसके लिए आइए। इसमें 2 लेंस फिट है, एक है लेज़र क्यूब एक्सपेंडर और इधर है मैक्रो लेंस, तो ये ओपन भी हो जाता है। ये जो लेंस है आपका ये मैक्रो लेंस है, यहाँ से ऑन होता है। इसके पीछे फैन भी दे रखा है ताकि जो इसकी हीट है वो बाहर निकलती रहे, और इन दोनों पर लेंस फिट होते हैं, जैसे कि सब लेंसों में ये दे रखे हैं। तो अच्छे फिट होते हैं लेंस। फिलहाल अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो आप laseros.com पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो फिर कोलेब्रेशन आया था, तो इन्होंने मुझसे कॉलेब किया है, तो इवन मुझे इन्होंने लेज़र क्यूब सेंड किया है। इसका प्राइस आप इसकी साइट पे आके दे सकते हैं, और बाकी जो इसका कस्टम चार्ज था 4500 कस्टम चार्ज था इसका अराउंड, तो वो भी मुझे कंपनी ने रिटर्न कर दिया है। इसकी फ़ोटोग्राफी मैं इंस्टा पर डाल भी चुका हूँ, तो आप इंस्टा पर देख भी सकते हैं मेरे, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में।